ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे महिलाएं समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ आलमबाग से बस 52 यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। लखनऊ एक्सप्रेसवे और इनर रिंग रोड होते हुए ये बस सुबह करीब 4 बजे के वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंची और आत्मातपुर थाना क्षेत्र के चौगास गांव के पास बस रेलिंग तोड़ते हुए 30 फीट गहरे खाई में गिर गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। हादसे की खबर मिलते ही बचाव कर्मी मौके पर पहुंच गए और 23 लोगों को जिंदा निकालकर इलाज के लिए भेजा गया, तो वहीं 29 लोगों का शव भी निकाला गया। इस हादसे को जिसने भी देखा वो सहम गया। यह हादसा इतना भयानक था कि 29 लोगों की जान चली गई। वहीं हादसे की वजह से ड्राइवर को नींद आना बताया जा रहा है, पर हादसे में ड्राइवर की भी मौत हो गई है। वहीं हादसे में 23 लोगों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। हादसे के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आगरा पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।